अब यहां पर आते हैं थोड़ा सा और देखो, तो राशि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैमिनी ज्योतिष जो है वो पूरी राशि पे टिकी हुई है, ठीक है। जैमिनी ज्योतिष पूरी राशि पे टिकी हुई है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। दुष्भाव राशि 4-7-10 को एस्पेक्ट करती है। इन भावों को क्या कहते हैं? 4-7-10 को केंद्र कहते हैं, 4-7-10 को नहीं। 4-6-3 को क्या कहते हैं जी? आपोक्लिम कहते हैं। 5-8-11 को क्या कहते हैं? पणफर कहते हैं टेक्निकली, अगर आपको पता हो टेक्निकल नाम है। केंद्र क्या करता है? केंद्र के बारे में बड़ा अच्छा श्लोक है हमारा, मेरे को हमारे जो गुरु जी थे उन्होंने पहले दिन हमें इतना मार मार के सिखाया था, आज तक याद हो गया, बचपन में सीखा श्लोक है। कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थक भानम। कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा, केंद्र को केंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में बीच में चार घर होते हैं, तो केंद्र हो गया। चतुष्टय का मतलब होता है फोर, तो केंद्र चार होते हैं तो चतुष्टय हो गया। अब इसमें एक वर्ड है कंटक। कंटक का मतलब होता है जी कांटा, कभी आपको चुभा होगा तो आपको पता होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो केंद्र है ना वो कांटे के जैसे होते हैं। अगर आप उस केंद्र को फॉलो करते हो तो ठीक है, अगर आप उस केंद्र को फॉलो नहीं करते तो आपको चुभता है, ठीक है। तो सेवंथ हाउस मैरिज दिखाता है, वहां है जुपिटर। जुपिटर दिखाता है धर्म, अगर आपने मैरिज में धर्म फॉलो किया तो ठीक है, अगर आपने धर्म फॉलो नहीं किया तो वो कुछ चुभेगा, शादी तो तोड़ेगा ही लेकिन आगे भी रिलेशनशिप्स में या औरतों से धोखे दिलाने लगेगा, चुभेगा वो आपको, पियर्स करेगा, दुख देगा। ये केंद्र की कंडीशन है अगर आप केंद्र को वेल मेंटेन्ड नहीं रखते, समझ रहे हो। तो वो सोफे के जैसा है, नॉन वेल मेंटेन्ड सोफे के जैसा है, वो गिर जाएगा आपके बैठे बैठे, कमर भी टूटेगी। तो दुष्भाव राशि के बारे में आप क्या समझते हैं कि दुष्भाव राशि के प्लैनेट को वेल मेंटेन्ड होना होता है, मतलब दुष्भाव राशि में जो भी प्लैनेट है वो हाईली डिमांडिंग होता है, तभी तो वीनस दुष्भाव राशि में एग्जॉल्टेड होता है और मरकरी भी दुष्भाव में एग्जॉल्टेड होता है, दोनों ही होते हैं ना, क्योंकि वीनस भी हाई डिमांडिंग है भाई, मरकरी भी हाई डिमांडिंग है। वीनस सेक्सुअलिटी है ना, ऐसे समझिए आप, सेक्सुअलिटी आदमी एक बार करके तो सुखी होता ही नहीं जीवन में, एवरीडे दुष्भाव है ना, सेल्फ मेंटेनेंस मोड रहता है दुष्भाव का, खुद को मेंटेन करता रहता है वो, बहुत पावर होती है दुष्भाव में। दो तीन बातें यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दुष्भाव जो है उसको रेगुलर इंटरवल पर रिचार्ज चाहिए होता है, यही मरकरी बुद्धि का हाल है। आप कोई चीज एक बार नहीं पढ़ सकते, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। आपने कंप्यूटर 1980 में सीखी थी, अब आपको दोबारा सीखना पड़ेगा ना, नया अपडेट आ जाएगा, नई चीजें आ जाएंगी, आप दोबारा सीखोगे, बार बार सीखोगे, एक बार सीख के नहीं चलेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। ज्योतिष में भी आप आज ज्योतिष सीख लोगे लेकिन आपको 3-4 साल के बाद और फिर से चार्ट तो देखते रहने पड़ेंगे ना, एक्सरसाइज बार बार करना पड़ेगा। दुष्भाव राशि का जो प्लैनेट होता है जिसको बार बार एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है, या बोलो बार बार एक्टिवेट होता रहता है, सेल्फ रिचार्जिंग कैपेसिटी होती है उसमें। तो यहां पर यह समझो, देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आगे जो पढ़ाऊंगा उसके रिलेटिव जेमिनी से कुछ राशि प्रेडिक्शन सीक्रेट्स थोड़े से समझेंगे। तो जो ड्यूअल साइन वाले जो बंदे होते हैं ना, ड्यूअल साइन बॉर्न, वो शादी में चीटिंग करते हैं, या तो पहले अफेयर होते हैं, बाद में हो जाते हैं, थोड़ा नैन मटकता तो हो ही जाता है। जो सेवंथ में ड्यूअल साइन है ना, मल्टीपल रिचार्जिंग करता रहता है वो आदमी बैठ के पूछा, तो वट एवर, अब इसमें गुड इन्फ्लुएंस रहता, हो सकता है ना भी हो, ठीक है, किसी स्टूडेंट का मैं दिल नहीं दुखाना चाह रहा, ठीक है जी, हम तो सज्जन है ही, दूसरा दुर्जन है। अब इसमें ये समझो, देखो कि अगर आरूढ़ से 11 इनकम दिखाएगा, ठीक है, अगर वहां ड्यूअल साइन में प्लेनेट है, उसका क्या मतलब है कि इसी इनकम बार बार इंप्रूव होती है, ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, ऐसे बंदे को प्रमोशन की टेंशन नहीं है, उसको टाइमली प्रमोशन मिलता है, गेटिंग माई पॉइंट, वो मकान भाड़े पे देगा, उसको टाइमली किराया मिलेगा, ड्यूअल साइन ना टाइमली हो रही है चीज, यही तो केंद्र करता है। बट जो प्लैनेट ड्यूअल साइन में है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, गेटिंग माय पॉइंट, ड्यूअल साइन
का लग्न होगा तो सेवंथ में डुअल साइन आएगी, उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है, अफेयर देगा। लेकिन करना क्या है आपको, उसको मेंटेन करना है, अफेयर नहीं करना। तो अफेयर नहीं करोगे तो मैरिज ठीक रहेगी, अफेयर कर लोगे तो क्या होगा, बीवी की तबीयत खराब हो जाएगी, उसका हेल्थ गुड नहीं होगा, प्रॉब्लम्स करने लगेगा, वेल मेंटेन्ड नहीं रह पाएगा। तो डुअल साइन का लग्न होगा, आप अफेयर कर लोगे, बीवी को अफेयर कभी नहीं पता चलेगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और उस तबीयत खराब से इरिटेशन होगी, उस इरिटेशन से लड़ाई होगी, और उसमें होगा डिवोर्स, उसको कभी अफेयर का पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो दो चीजें यहां पर, प्लैनेट सेल्फ रिजुविनेट तो करता है लेकिन उसको मेंटेनेंस चाहिए, और वो मेंटेनेंस को आप छोड़ नहीं सकते, राइट? तो अगर आरोड से 11th में ड्यूअल साइन में सैटर्न है, आप इनकम कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप चैरिटी नहीं करते, पुअर को नहीं देते, डिजीज को हेल्प नहीं करते, तो वेल मेंटेन्ड नहीं रह पाएगा वो सेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है, आगे जब हम जेमिनी लॉन्जिविटी की बात करेंगे तो वहां पर हम एक बात समझेंगे कि दुष्भाव राशि जो होती है ना वो दिखाती है मिड लाइफ। दुष्भाव राशि इज मिड लाइफ। सो दुष्भाव राशि के जो प्लैनेट का जो इम्पैक्ट होता है वो लाइफ के एक पार्ट में होता है। अगर पहले होता है तो बाद में नहीं होता, बाद में होता है तो पहले नहीं होता। तो आपने आरूढ़ से 11th में मान लो दुष्भाव राशि में सैटर्न को देखा, तो आपको क्लियरली पता है कि या तो ये बुढ़ापे में अमीर होगा या ये जवानी में अमीर होगा, दोनों टाइम अमीर नहीं हो सकता। इट इंडिकेट्स मिडिल लाइफ, एक ही पार्ट में होगा, दो पार्ट में फल होने ही नहीं वाला। ठीक है, ये थोड़े से बेसिक्स हैं, आगे भी इसमें और इंडेक्स चले जाएंगे अपन। अच्छा, एक और बात है जी, दुष्भाव राशि का एस्पेक्ट आता है 4th हाउस पे 7th हाउस पे 10th हाउस पे। तो यहां पर तीन चीजें बहुत क्रूशियल हैं, होम हैप्पीनेस व्हीकल, मैरिज कंपेनियनशिप पार्टनरशिप, और प्रोफेशन स्टेटस नेम वे, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, तो अगर डुअल साइन में मेलिफिक बैठ गया, उसने आपका सुख चैन छीन लेना, कंपेनियनशिप तोड़नी है, और नेम फेम को मिट्टी में लगा देना। समझे आप बात को? तो आज एक काम करना, 10 हॉरोस्कोप लेना, उसमें विमशोत्री दशा लगाना, पराशरी करना, शादी की डेट निकालना, और देखना कितनी बार शादी सप्तमेश की दशांतर दशा में हुई, और कितनी बार शादी उस ग्रह की दशांतर दशा में हुई जो ये D1 या D9 में डुअल साइन पे बैठा। और आप देखोगे डुअल साइन बेटर काम करती है बजाय सप्तमेश के, क्योंकि पराशर तो खुद कहते हैं सप्तमेश की दशा में देह पीड़ा होती। अगर साली से पिटाई की बात ना कर रहे हो तो फिर शादी से कहीं मैच नहीं खाता, वो देह पीड़ा, वो तो कहीं नहीं रहा सप्तमेश की दशा में। आप पूरी पराशर पढ़ लो, मैं मुझे दिखा दो श्लोक कहां कह रहा है वो सप्तमेश की दशा में शादी हो, कहीं नहीं रहा पराशर कहीं पर। पता ही लोग क्या ही करने लगे हैं आजकल। ड्यूअल साइन, तो अगली बार आप कभी कोई दशा वशा लगाओगे और आपको ड्यूअल साइन जहां दिखेगी D1 D9 में प्लैनेट इन ड्यूअल साइन, आपके मन में हो जाता है डिंग डिंग डिंग, यहां हो सकती है मैरिज। ये मैरिज का कंटेंडर है, 10th हाउस का कंटेंडर है, 4th हाउस का कंटेंडर है, 3 हाउसेस का कंटेंडर है। ठीक है जी, ड्यूअल साइन में प्रॉब्लम होगी तो कहां कहां प्रॉब्लम करेगा, यू नो इट। तो पाइसिस का सैटर्न क्या बर्बाद करता है आपको पता है, मैरिज करेगा, प्रोफेशन करेगा, और हैप्पीनेस करेगा। अब इसमें से क्या करेगा वो तो खैर आगे हम देखेंगे, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, दैट वी विल लुक एट इट, बट अभी के लिए ये चीज हो गई। ठीक है, ये दुष्भाव राशि का सिनेरियो होगा। अब स्थिर राशि पे आता हूं, स्थिर राशि है 9th, 6th और 3rd। इन हाउसेस को आपोक्लिम कहते हैं। आपोक्लिम क्या करता है, केंद्र में आप चीज को सस्टेन करते हो, ठीक है, पणफर में वो चीज ग्रो करती है, आपोक्लिम में आपको वो चीज देना पड़ता है, जैसे टैक्स। आप गाड़ी खरीदते हो तो आप टैक्स देते हो, फिर आप पैसा बचाते हो, फिर टैक्स दे देते हो, है ना, आपको देना ही पड़ता है ना। बेसिकली जो ह्यूमन सोसाइटी है वो गिविंग पे बेस्ड है। आप किसी भी धर्म में हो, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, या कहीं ना कहीं आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट तो देना पड़ेगा, है ना। वो देना जो है, आप उसको देना बोलो, शेयरिंग बोलो, डूइंग योर पार्ट बोलो, वो आपका आपोक्लिम है। तो स्थिर राशि जो है ना एक कंट्रीब्यूटिव साइन है,
स्थिर राशि बहुत कंट्रीब्यूशन करती है। स्थिर राशि इंडिकेट्स द सेक्रीफाइस कि जी यहां सेक्रीफाइस हो गया, एक खुशी के लिए दूसरी खुशी को कॉम्प्रोमाइज किया। तो अगर आपका सप्तमेश, अब देखो कोई भी प्लेनेट दो हाउसेस का लॉर्ड होगा ना, सप्तमेश मान लेता हूं, सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड हो गया सैटर्न, वो बैठ गया स्थिर राशि। अगर शादी सुखी होगी तो लाइफ शॉर्ट होगी, और शादी दुखी होगी तो लाइफ लॉन्ग होगी, सीधी बात है जी। एक सेक्रीफाइस तो मांगेगा, वो सेक्रीफाइस आप उसको दोगे, वरना वो काम नहीं करेगा। इसी के तर्ज पे ये बात है, जेमिनी स्थिर राशि को शॉर्ट लिव्ड कहता है, कि स्थिर राशि का शॉर्ट लाइफ, क्योंकि उसको सेक्रीफाइस कर रहा हूं उसको। तो अगर आरूढ़ से इलेवंथ में स्थिर राशि में कोई ग्रह बैठा हो तो जो वो गुड इनकम दिखा रहा है वो शॉर्ट लिविंग, 25 से 30 साल के एज तक बहुत कमाया, उसके बाद सीन खत्म, हरिओम। उसी टाइम सब घर परिवार संपत्ति बना ली, होता है भी अमीर लोग होते हैं, स्थिर राशि में होगा तो आप देखोगे 25 से 30 तक में पैसा कमाया, घर परिवार सब बना लिया, उसके बाद से मेंटेन कर रहा और कुछ नहीं हो पाया उसके, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा होता है, स्थिर राशि ऐसे करती है, शॉर्ट लिव्ड रिजल्ट है, कुछ समय के लिए रहता है। और स्थिर राशि में देखो सेक्रीफाइस है बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो स्थिर राशि में अगर वीनस मर्करी के साथ मान लो स्थिर राशि में बैठ गया तो शादी तभी होगी, गर्लफ्रेंड तभी मिलेगी जब एजुकेशन पूरा हो। अगर एजुकेशन के बीच में गर्लफ्रेंड मिल गई तो एजुकेशन छूट जाएगी, एजुकेशन के बीच में शादी होगी तो छूट जाएगी, क्योंकि दो ग्रह का कॉम्बिनेशन है ना वीनस मर्करी, एक आएगा तो दूसरा सेक्रीफाइस पे जाएगा। क्यों पर जो तुम्हारा है वीनस मर्करी, वीनस मर्करी केतु मर्करी राहु मर्करी, ठीक है। तो यहाँ राहु को रिसर्च ले लो आप, मरकरी को एजुकेशन ले, तो जब तक एजुकेशन में तब तक रिसर्च में नहीं है, रिसर्च में जाएगा तो फिर रिसर्च में रहेगा, एजुकेशन में नहीं रह पाएगा, या राहु का तो सिग्निफिकेशन ले लो व्हाटएवर। तो स्थिर राशि क्या करती है, ये सेक्रीफाइस करती है, एक रिजल्ट मिलता है दूसरा रिजल्ट नहीं मिलता, एक की जगह पे दूसरा मिलता है, ठीक है, इसको समझिएगा आप। स्थिर राशि तो क्लिष्ट खेलती है, ठीक है। स्थिर राशि तीन चीजें हैं जी, नाइन्थ सिक्स और थर्ड, तीन जगह पे एस्पेक्ट करती है। थर्ड का मतलब क्या है, बिजनेस, स्थिर राशि बिजनेस इंडिकेट करती है। बिजनेस में तो वही होता है ना, सामान लूज करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, बिजनेस ऐसा हुआ है कि आपके पैसे भी ले लिए सामान भी रख लिए, बाटर ही है ना बिजनेस, तो बाटर है। तो करेज का रिजल्ट अच्छा थर्ड हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको क्योंकि मेहनत आप और हम सब करते हैं, मेहनत का फल कितना मिलता है ये तो जरूरी चीज है ना। आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट अगर वो अंडर एप्रिशिएटेड है तो क्या मतलब हुआ उसका। कुछ लोग होते हैं अपना सारा जीवन घर परिवार के लिए बिता देते हैं, फिर अंत में उनके घर वाले कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया, इससे दुखी है कुछ सुनना, इससे दुखी कुछ नहीं सुन सकता आदमी, इससे ज्यादा सैड कब होगा। तो थर्ड हाउस एफर्ट हार्डवर्क का रिजल्ट है, करेज है, वो दिखाता है स्थिर राशि, है ना। रिवॉर्ड आपको कितना, रिवॉर्ड भी बोलो आप, एप्रिसिएशन बोलो ना, पहचान भी तो मिलनी चाहिए ना कुछ किया है तो, वो स्थिर राशि दिखाता है। सिक्स्थ हाउस को भी इन्फ्लुएंस करता है स्थिर राशि, तो स्थिर राशि इंडिकेट्स कि आपके पास सहयोग कितना है। देखो सिक्स्थ हाउस इज नौकर, अब नौकर आप क्यों चाहते हो, अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा तो नौकर करेगा किसी भी वजह से, चाहे बिजी होने की वजह से या कुछ भी, है ना। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 50 किलो का ये सामान ले जाओ आप अपने घर, आप ले जाना चाहते हैं बट आप तो नहीं ले जा पाओगे, नौकर रखो, कौन सी बात है। तो जो सपोर्ट है वो सिक्स हाउस देता है ना आपको, आपके काम करने के लिए सपोर्ट देता है सिक्स हाउस, है ना। मजदूर करते हैं वो काम क्योंकि आप नहीं कर सकते उसको। तो लाइफ में जो सपोर्ट सिस्टम है, आप मुसीबत में आओगे तो घर वाले साथ देंगे, मुसीबत में आओगे तो पैसा रहेगा, सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, उसी सपोर्ट के लिए आप और मैं काम कर रहे हैं जिंदगी में, वो सपोर्ट सिस्टम स्थिर राशि दिखाता है। स्थिर राशि ऑल्सो इंडिकेट्स लक, तो स्थिर राशि में अगर प्रॉब्लम होगी तो लक खराब होगा। इसलिए आप देखना चंद्रमा जिनका डेबिलिटेटेड होता है, चंद्रमा कहाँ डेबिलिटेटेड होता है, चंद्रमा डेबिलिटेटेड होता है स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो है लक राशि, सॉरी स्थिर राशि। तो डेबिलिटेटेड चंद्रमा वाले बंदे को बोला है जी अनलकी, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता, किस्मत का उसको फल नहीं मिलता। यकीन नहीं आता, आप केमद्रुम योग का फल पढ़ना, केमद्रुम में क्या कहा, अमीर होने के बाद भी निम्न जीवन व्यतीत करता है, सब दोस्त उसका साथ छोड़ देते, वही तो कह रहा है, क्या कह रहा है,
केमद्रुम योग मतलब खराब चंद्रमा, नीच का चंद्रमा, खराब चंद्रमा, बात बराबर समझ रहे हैं आप मेरी बात को, घुस रहा है दिमाग में, क्रॉस हो रहा है यहां से वहां, ठीक क्रॉस होना चाहिए। चर राशि की तरफ आते हैं, चर राशि पनफर, पनफर इज इंक्रीज। चर राशि के साथ ही एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम चर राशि के साथ, चर इज मूवमेंट, चर राशि बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चीज को एक लेवल पे बढ़ना नहीं चाहिए, एक लेवल के बाद बढ़ना बंद हो जाना चाहिए, है कि नहीं। अगर वो बढ़ती रहेगी तो क्या हुआ, चूहे की स्टोरी आपको बताता हूँ, चूहा चीजों को कुतरता है, काटता है, क्यों काटता है, क्योंकि उसके दांत बढ़ते हैं। अगर वो चीजों को नहीं काटेगा तो उसके दांत लगातार बढ़ते रहेंगे, और फिर चूहे के दांत लगातार बढ़ते बढ़ते उसके पेट में घुस जाते हैं, चूहा मर जाता है। अगर आपके शरीर में आपका स्पीन बहुत बढ़ जाए तो, लिवर बहुत बढ़ जाए तो, इट विल इवेंचुअली क्रिएट योर डेथ। तो चर राशि के साथ ये प्रॉब्लम है, चीजें बढ़ती है, बहुत बढ़ती है, ट्यूमरस हो जाती है, बढ़ती है, प्रोस्पेरिटी तो है, आप अकेले थे, एक बीवी हो गई, ठीक है, दो हो गई, तीन हो गई, प्रॉब्लम होती जा रही है ना, तो ये चर राशि के साथ प्रॉब्लम है, एक्सॉर्बिटेंट ग्रोथ करती है, ठीक है। तो आपको पता है कंट्रोल क्या करना है, क्या चीज होती है, चर राशि को जेमिनी लॉन्जिविटी के लिए लेता है, गुड लॉन्जिविटी के लिए, तो चर राशि में जो प्लेनेट है वो आजीवन फल देता है, बचपन से लेके मृत्यु तक। तो अगर इलेवंथ लॉर्ड, अगर आरूढ़ से इलेवंथ, जहां से हम इनकम देखने वाले हैं आगे, तो वहां पर चर राशि में कोई प्लेनेट बैठा होगा, आपको बताया जाए कि ये जब से प्रोफेशनल लाइफ में शुरू करेगा तब से अच्छा पैसा कमाएगा, अंत तक अच्छा पैसा कमाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया। चर राशि तीन हाउसेस को देखती है, फिफ्थ, एट्थ और इलेवंथ। इलेवंथ को देखने से ये आपको क्या देती है, इनकम देती है, पैसा देती है। एट्थ हाउस को देखने से आपको सस्टेनेंस देती है, सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो जेमिनी लॉन्ग लाइफ के लिए लेता है चर राशि। अगर लग्नेश अष्टमेश दोनों चर राशि में होंगे तो लॉन्ग लाइफ होगी, लगना हो रहा, लगना दोनों चर राशि में होगा तो लॉन्ग लाइफ होगी, लगना मून चर राशि में होगा लॉन्ग लाइफ होगी, जेमिनी का रूल आगे पड़ेंगे आप तीसरे चौथे महीने में जाकर के, मुझे लग रहा है पांच महीने का कोर्स है, तीसरे चौथे महीने आएगी लग्न, वहां पर आप इसको पढ़ोगे। तो लॉन्जिविटी जो है वो ये देता है, चीज बहुत लंबा चलती है, ग्रोथ करती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है। और फिफ्थ हाउस बोले तो टैलेंट्स, चिल्ड्रन, प्रोडक्शन, ये भी चर राशि देती है, ये चर राशि का नेचर है। अभी आप इसका मेजर यूजेस कब करोगे, आप इसका मेजर यूजेस करोगे कारकाज में, अभी आगे की क्लास में, प्रोबेबली तीन चार क्लास बाद मैं आपको चर कारकों से इंट्रोड्यूस करूंगा, अगली क्लास में कुछ और इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर बाद में करूंगा। अब देखिए आप एक ज्ञाति कारक लेते हैं, ज्ञाति कारक रिलेटिव्स का कारक है, ठीक है, ज्ञाति कारक को खराब नहीं बनना, ये अच्छा है, सारे कारक अच्छे, कोई कारक खराब होता है, आप मुझे समझाइए पहले, नहीं, कारक एफ्लिक्टेड होकर खराब होता है ना, सैटर्न लॉन्जिविटी का कारक है वो खराब नहीं है, वीक एफ्लिक्टेड होता है तो लॉन्जिविटी कम करता है इसलिए खराब होता है, समझ रहे हैं बात को मेरी, कारक तो खराब नहीं होता। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो ज्ञाति कारक खराब होता है, सर क्यों खराब होता है, कोई वीनस खराब हुआ है कभी, नहीं, वीनस पत्नी का कारक होता है, वीनस ठीक होता है, वीनस एफ्लिक्टेड होगा, वीनस वीक होगा तो खराब फल करेगा पत्नी से रिलेटेड, वीनस थ्री बाय नेचर खराब होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मार्स भाई का कारक है, भाई खराब नहीं होता, अगर मार्स एफ्लिक्टेड हो, मार्स पीड़ित हो तो भाई से संबंध खराब होते हैं, भाई खराब काम करता है, तो ये बात आप भूल जाओ, ज्ञाति कारक खराब होता है जी, भ्रातृ कारक खराब होता है जी, नहीं कुछ खराब नहीं होता, सब ठीक होता है जी, एफ्लिक्टेड होगा तो खराब होगा जी, नहीं एफ्लिक्टेड होगा तो नहीं खराब होगा जी, सिंपल बात। तो ज्ञाति कारक जो है, ज्ञाति मतलब रिलेटिव होगा, अगर ज्ञाति कारक चर राशि में, अब चर राशि आपको देखो पांच नंबर पर इन्फ्लुएंस करती है, तो फिफ्थ हाउस पर इन्फ्लुएंस करती है, तो इसके रिलेटिव्स के बच्चे बहुत सारे होंगे, है ना, रिलेटिव्स के बच्चे, क्योंकि ज्ञाति कारक रिलेटिव है तो रिलेटिव के बहुत बच्चे हैं, लॉन्ग फैमिली है, लार्ज फैमिली है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ चर राशि दिखाती है, तो बहुत बड़ा परिवार है इस व्यक्ति का। वहीं अगर ज्ञाति कारक आपका स्थिर राशि में है तो न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी एक बच्चा खत्म। अगर दुष्भाव राशि में है तो पति पत्नी दो बच्चे, पति के मां बाप, पत्नी के मां बाप, सफिशियंट, चाचा मामा नहीं, नो चाचा मामा, आउट ऑफ इट, ठीक है जी, ऐसे करके चलेगा। अगर आपका आत्मकारक सेल्फ को इंडिकेट करता है, ठीक है, आत्मा का कोई कारक नहीं होता भैया, तो लोग आत्मकारक को आत्मा का कारक समझ लेते हैं, भैया आत्मा ना मरती है ना जीती है, ना रंग होता है ना जेंडर होता है, तो फिर आत्मा कारक कैसे होता है, आत्मा कारक नहीं होता, आत्मकारक होता है आत्मा मतलब सेल्फ बॉडी, ठीक है।
अगर आत्मकारक चर राशि में है तो आदमी की बॉडी कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं वो, अंग्रेजी में नाम भूल गया मैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़िया होती है तो आत्मकारक चर राशि में होगा तब पता है डिजीज फ्री लाइफ है इसका मतलब। स्थिर राशि में होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी मंद होती है, आदमी इन्फेक्शन जल्दी पकड़ जाता है, कमजोर होता है, हल्का सा मुक्का मार दोगे तो मूर्छित भी हो सकता है, शारीरिक कमजोरी है, वीकनेस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम आगे बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। राशि बेसिक को आप भूल जाओगे तो भैया, राशि बेसिक इंपॉर्टेंस के लिए जैसा मैंने बोला 10 लोगों का चार्ट लो, शादी का डेट देखो, सप्तम हाउस सप्तम लॉर्ड से कनेक्शन लिखना एक टेबल में, एक टेबल में स्वभाव राशि एक्टिवेशन D1 D9 एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो आपको आज एक राशि बेसिक बढ़ा दिया और एक आपको जो है नाम के हिसाब से जो मेथड था वो पढ़ाया है, आप इसको टेस्ट करिए बड़ा बढ़िया, एक हफ्ता टेस्ट करके रिजल्ट रिजल्ट दीजिए, कोई बात। और ग्रुप है, ग्रुप में आप सब हैं, हफ्ते भर में कभी भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आप सीधा ग्रुप में उसको भेजेंगे, ठीक है, समय मिलते ही जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है जी, क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मैं, बाकी सब लोगों के पास तो मेल वेल होगा ही, ठीक है। नितिन जी को और सुतपा जी को मुझे लग रहा है कि नया जो है आप लोगों को एक मेल आ जाएगा, तो आप एक वेबसाइट पे जाएंगे, यूजर ने पासवर्ड से लॉग इन करेंगे, रिकॉर्डिंग आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखिए, हफ्ता भर आराम से नोट्स बनाइए, चार्ट पे अप्लाई करिए, कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझसे पूछिए। आप समस्या पूछने में जितना घबराएंगे आप उतना कम सीखेंगे, कोई कंफ्यूजन दिमाग में है तो वहीं वहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन दिमाग में रहती है तो एरर बन जाती है बाद में, वो एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके साथ जी, आई हैव नोन दिस ना, वो दूसरे इंस्टीट्यूट में बच्चों से बड़ा बुरा सा ट्रीट होता है, यहाँ हमने ऐसा नहीं करते, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं भैया बच्चे, ठीक है, तो अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है, डोंट वरी, है ना, आप हमेशा मेरे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, जब जो सवाल आए तभी दागिए, एकदम रात के 12 भी बजे कोई बात नहीं, मैं सो गया हूँ तो सुबह से लेकिन कर दूंगा, है ना, मेरे और आपकी रीचेबिलिटी के बीच में थर्ड पर्सन ना है ना होगा, आप और मैं डायरेक्ट रहेंगे।